पास हो गया है तो पास होना नहीं चाहिए था, और अभी राज्यसभा में अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर ये कानून नहीं बन सकेगा। तो हम लोगों की अपील है तमाम अपोजिशन पार्टियों से कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें, बल्कि अपोजिशन के लिए कानून न बन सके। दूसरी बात ये कहनी है कि अगर कानून भी बन जाएगा तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं, सड़कों में उतर आए। ये नंबर वन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और नंबर टू ये डिवीजन कर रही है मुसलमान हो, और नंबर थ्री जो रूरल सोसाइटी है उसको पोलराइज कर रही है कि हिंदू अलग हो जाए मुसलमान अलग हो जाए। तो पोलराइजेशन के खिलाफ हम लोग हैं, सिटीजनशिप को डिमोनाइज किया जा रहा है, उसको हथियार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ है। और जो हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है उसके खिलाफ है। इसी तरह ये लोकसभा में से भी बिल पास हुआ है, इस तरह आपका क्या रिएक्शन है? लोकसभा में तो बहरहाल हमारी उस भारतीय जनता पार्टी और जनाब अमित शाह साहब की अक्सरियत है, उन्होंने अपनी ताकत का नशा दिखाया। अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। अमित शाह साहब पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे भी होम मिनिस्टर हैं, उनको ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो कर रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। तो देखें कब तक ऐसा चलता है। उम्मीद है कि राज्यसभा में सारी अपोजिशन पार्टियां एक होकर भारत के दस्तूर को बचाएंगी, देश को बचाएंगी, भारत को बचाएंगी, भारत के संविधान को बचाएंगी, और ये बिल बहरहाल वहां से नाकाम होगा इंशाअल्लाह, ताकि देश बचा रहे और देश का संविधान बचा रहे। आपको क्या लगता है कि टीएमसी फिर आपका बिलों की तरह इस बिल में भी वो वॉकआउट कर जाएंगे? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि टीएमसी भारत को और भारत के संविधान को बचाने के लिए राज्यसभा में इस बिल को अपोज करेगी। जिस तरह से बिल में मुसलमानों को टारगेट किया गया, तो आप लोगों को लगता नहीं कि जैसे डेलीगेशन यहाँ मुसलमानों के वापस आके यहाँ कॉन्फ्रेंस करें, उसी तरह ममता बनर्जी से कहें कि आप वहाँ पर जो है पहले के बिलों की तरह? नहीं, इस बिल में ठीक है जिसको भी टारगेट किया गया हो, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा इस बिल से संविधान को खतरा है। जब संविधान नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा, फिर देश नहीं बचेगा। और ममता बनर्जी साहिबा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारी वेस्ट बंगाल की, वो संविधान सपोर्टेड है, जाहिर सी बात है, वो संविधान को बचाने के लिए बिल को अपोज करेगी इंशाअल्लाह। आप लोग क्या उनसे मिलेंगे बताने के लिए कि आप वक्त मिला और मौका रहा तो ज़रूर मिलेंगे, और दीदी से ये अपील करेंगे कि इस बिल को जमकर अपोज किया जाए। और दीदी से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी जो पॉलिटिकल रिलेशन है इंडिया में, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी लीडर हैं और बहुत ग्राउंड लेवल के लीडर हैं आप, ज़मीनी लीडर हैं आप, तो आप दूसरे पार्टीज़ पर भी थोड़ा असर डालिए अपने ताल्लुकात के वो भी इस ब्लैक बिल काला कानून को अपोज करें। সিএবি বিল ভারতবর্ষের সংবিধান বিরোধী। এই বিলের পাশ হওয়ার পরে দেশের জনগণের সম্মুখীন আমরা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি। এ বিল দেশের জনগণকে হিন্দু মুসলমানে বিভক্ত করার একটা ভিন্ন চক্রান্ত। এই বিলের বিপক্ষে সেকুলার সমস্ত জনসাধারণ এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং আইনসভায় যারা আছেন তাদের সবার রুখে দাঁড়ানো উচিত। আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি তারা এই বিলের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানো, এবং রাজ্যসভায় এই বিল পেশ হবে। রাজ্যসভার যারা সদস্য আছেন আমরা তাদেরকে যা আহ্বান জানাচ্ছি, তারা দেশের সংবিধান রক্ষার স্বার্থে তারা এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিন। রাজ্যসভায় বিজেপির কাছে এত সংখ্যা নেই যে তারা এই বিলটা পাস করাবে। আমরা খুবই আশাবাদী যে সেকুলার দলসমূহ তারা এই বিলের বিপক্ষে রায় হিসেবে ভোট দেবে, এবং বিজেপির যে ঘৃণ্য চক্রান্ত দেশকে বিভক্ত করার, জনগণকে বিভক্ত করার, তা রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কিন্তু এর আগে অনেকগুলো বিলে বিরোধীরা সাপোর্ট করেছে বিজেপি, আপনি কি ভাবছেন যে এটাতে করবে না? আমরা সে আশঙ্কা প্রকাশ করি, তবে আমরা এই বিষয়ে সবাইকে আহ্বান জানাই যে তারা ওয়াকআউট করে বিজেপিকে সহযোগিতা না করবে।